एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। सर मैं गुड आफ्टरनून वेब टेक्नोलॉजी के सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो एमएसटी के लिए। जी। रुको, खोलने दो, सिलेबस खोलते हैं। वैसे आपको बताया जाएगा, आपको असाइनमेंट दी जाएगी आज की। आज मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगा, ठीक है? सबमिशन डेट मैं आपको बता दूंगा कब है, एंड उसके बाद वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको उसमें दिए जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? एग्जाम्स के बाद होगी असाइनमेंट की, ये मैं देखूंगा। असाइनमेंट अगर मैं छोटी देता हूँ बड़ी देता हूँ उसके हिसाब से, बड़ी होगी तो बाद में ले लूंगा, अदरवाइज पहले। सर प्लीज सर एमएसटी के पास सबमिट करा लेना। हाँ जी, वो मैं देख लूंगा जी, तो टेंशन में। ओके जी, मोस्टली हमारे अगर मैं बात करूँ 3 यूनिट्स हो गए हुए हैं, एक दो टॉपिक रह गए होंगे वो मैं करवा दूँ, ठीक है? बस इसका आई थिंक सो प्रॉक्सी सर्वर्स रह गया, बाकी हो गए हुए हैं हमारे टॉपिक। चेक करो क्लास एक बारी सारे, पहले से लेके तीसरे तक के। हाँ जी, क्लास को टॉपिक ना हुआ हो कोई पता करो, बताओ मतलब सामने देख के। दिख रहा है, स्क्रीन शेयर्ड है? यस सर, यस सर। सारे टॉपिक्स हो गए हुए हैं, बस प्रॉक्सी सर्वर्स रह गया। हाँ जी क्लास, बताओ। क्लास सारे सर टॉपिक्स सिर्फ प्रॉक्सी सर्वर्स बचे हैं, बाकी हो गया। हाँ जी, बाकी हो गए थे तो ये 3 यूनिट्स yes, आपके पहले एमएसटी में आएंगे। वैसे 3 ना ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा करते हैं पहले 2 ही रख लेते हैं, 2 और वर्ल्ड वाइड वेब और इसकी एवोल्यूशन। ये वाला नहीं किया होगा ना हमने, एवोल्यूशन वाला। एवोल्यूशन इसकी इम्पोर्टेंट भी नहीं है वैसे, थोड़ा सा मैं बता दूंगा, ठीक है? तुम्हारा ये और ये नहीं हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लो कौन कौन से है। पहले तो इंटरनेट और एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है, TCP/IP मॉडल प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट है, IP एड्रेसिंग इम्पोर्टेंट है, इंटरनेट और ये जो टर्म्स हैं ये दो दो नंबर में आ सकती हैं, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट में लीज लाइन इम्पोर्टेंट है, VSAT इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये वेब पेज और वेब सर्वर का डिफरेंस इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? सिलेबस आपको बता दूंगा मैं, बट एक क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और आगे वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी लग गया पता। हाँ जी सर, आप यूट्यूब पे वीडियोस डालते हो? हाँ जी, मैं यूट्यूब पर डालता हूँ, बट वो ना सारे मिक्स होते हैं, लाइक जैसे अभी मैं आपसे बात भी करूँ ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर तो आपको वैसे लेक्चर्स चाहिए जिसमें कंटिन्यूटी मतलब इतनी नहीं होती, बिकॉज समझाने की बात हमको फीडबैक भी चाहिए होती है, या तो वो होंगे, या अगर आपको लग रहा है, मुझे पता था क्वेरी आई थी कुछ कि यूट्यूब का लिंक भेज दो, बट वो प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं होते हैं, वो ऐसे जैसे डिस्कशन हो रही है या फिर पढ़ाया जा रहा है वो वाले होते हैं। अगर आपको उन वीडियोस में से कोई पर्टिकुलर टॉपिक के चाहिए तो वो उसका मैं लिंक भेज दूंगा। अगर आपको सारे देखने हैं तो उससे अच्छा ये जब हमारी लैब्स होती है ना तब आप आ जाओ, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि एमएसटी आ रहे हैं तो इंस्टेड कि हम प्रैक्टिकल्स को आगे बढ़ाएं, हम क्या करेंगे, हम अपना एमएसटी की तरफ फोकस कर लेंगे जब हमारी लैब होगी ना आगे नेक्स्ट वीक में, तब हम टॉपिक्स रिवाइज कर लेंगे। बाकी अगर आपको चाहिए घर पे तो फिर मैं वो लिंक भेज देता हूँ, और उसमें फिर सारे डिस्टरबेंस क्वेरीज सब कुछ, ये सब कुछ बीच में होगा। सर आप सेंड कर दो एक बार लिंक बस। कौन सा करना है, कौन सा टॉपिक है, कि सबका ही कर दूं? सबका कर दो सर, सबका कर दो। ठीक है जी, मैं कर दूं। ओके थैंक यू। वीडियोस के लिंक आएंगे, चैनल पे नहीं होगा बिकॉज अनलिस्टेड है, तो सिर्फ लिंक्स पे ही आप एक्सेसिबल कर सकते हो।
तो लिंक्स जो हैं मैं आज शाम तक मुझे एक बार कोई ग्रुप में मैसेज कर दे IWT वाले में, ठीक है, तो मैं उस पर रिप्लाई बैक करके ग्रुप के लिंक जो है उसी के अंदर डाल दूंगा। ओके सर। आज हम कर रहे हैं HTML, हमारा प्रैक्टिकल पार्ट भी है, थ्योरी पार्ट भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो HTML बेसिकली किसी को डेफिनेशन बताओ तो स्टार्ट कर सकते हैं। फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या चीज के लिए यूज होती है किसी को बताओ? वेबसाइट तो चंगा आप कह सकते हैं, वेब पेजेस बनाने ली मैं डिफरेंस ऐसे कहना, कला कला वेब पेज बनाने ली आप की यूज करने HTML। सब तो बेसिक हुंदी हैगी HTML, ठीक है। एदे विच टैग्स हुंदे हैगे, टैग्स होना मतलब है कि कोई भी काम होगा, कोई भी कोडिंग होगी और टैग दे विच होगी, टैग जिदा कि ए वाले टैग्स हुंदे है, ए हाइफन वाले, एंड अंदर कोई भी लिखता कोड ते ओ चीज जड़ी है ओ होगी, ठीक है। ते HTML विच आपा इथे लिखा है व्हाट इज HTML यूज फॉर, टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੇਜ ਖੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ HTML ਦਾ ਕੋਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੇਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ HTML ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ HTML ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ HTML ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ HTML ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਈਟ ਵਾਈਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ HTML ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਹੈਡਰ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੁਛ ਫੁੱਟਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ, ਜਲੰਧਰ, IP ਐਡਰੈਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ हाँ जी, तो ये हो गया हमारे फुटर्स और ये ऊपर वाले हो गए हेडर्स, बीच में होगी हमारी बॉडी। बॉडी में अगर आप देखो ये सारे जो हैं ये टैग्स हैं, ये हाइपरलिंक्स हैं। हाइपरलिंक्स मैंने बताया था ना, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये अलग से एक बॉक्स कह लो, इसमें कोई टर्म होती है स्पेसिफिकली, वो यूज़ की जाती है, ठीक है। कोई चीज़ ऊपर टेक्स्ट है वो ऐसे मूव कर रहा है, वो मार्क्यू टैग होता है, जैसे नोटिस वगैरह नहीं होते हैं वेबसाइट्स पे, अगर आप कोई भी वेबसाइट खोलो वहाँ पर नोटिस घूम रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं खोलूँ IRCTC की वेबसाइट, ये भी अलग से एक पूरा पैनल आ जाता है, ठीक है, इसको भी हम बंद कर सकते हैं। आप में से कईयों ने पढ़ी भी हो सकती है, कईयों ने भी पढ़ी हो सकती है। अगर ऐसी कोई चीज यहाँ पर मूव कर रही हो, कोई नोटिस वगैरह, तो वो क्या हो जाते हैं, वो मार्क्यू टैग्स हो जाते हैं, मतलब मूविंग टेक्स्ट हो जाता है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, किसके थ्रू हम ऐड कर सकते हैं, एक HTML डॉक्यूमेंट बना के हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, उसको ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ये कहने का मतलब इसका बेसिकली क्या था, वो ये कह रहा है, कहता कि HTML एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए है पेज का, उसको डिजाइन करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, CSS। CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ जी एनीबॉडी, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, रिपीट करेंगे? हाँ जी, ठीक है, रहे क्या कह रहे, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। हाँ जी, तो बेसिकली ये जो है ये एक पेज के लुक एंड फील, उसका स्टाइल, पेज के फॉन्ट्स, पेज का कलर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इसकी टाइप्स होती हैं तीन तरह की, इंटरनल, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये हम पढ़ेंगे बाद में, बट अभी के लिए हम पढ़ते हैं कि CSS होता क्या है। कहता कि एक शीट बन जाती है जिसके अंदर हम कोड करते हैं, कोड भी कुछ ऐसा ही होता है,
ये देखो हम ना अभी जब थ्योरी के बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे एचटीएमएल का, हम टैग्स पढ़ेंगे एचटीएमएल में कौन कौन से हैं। तो कहता कि उन टैग्स को मॉडिफाई करने के लिए कलर में, साइज में और कुछ चीज़ों में हम क्या यूज़ करते हैं, सीएसएस। जैसे कि पैराग्राफ टैग है, अगर किसी को पता हो तो प्लस ऐसे नोट पर शेयरिंग एक बार ना। ओके अगर हमने पैराग्राफ लिखना होता है ना एचटीएमएल में, तो हम ऐसे लिखते हैं, इसके अंदर पी टैग शुरू हुआ, पी टैग बंद हुआ, इसके अंदर जो भी आपने डेटा लिखना है पैराग्राफ के फॉर्म में आ जाएगा। अब कहता है मैं चाहता हूँ कि जितनी बार भी पैराग्राफ का टैग यूज हो उनमें जो फॉन्ट है, फॉन्ट का साइज कह लो, वो हो जाए 13px, वैल्यूज होती हैं कुछ, ठीक है। और फॉन्ट जो है डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी का हो, तो हम टाइम्स न्यू रोमन या ऐसे जो भी होता है वैसा हो जाए अपने आप ऑटोमेटिकली फॉन्ट का साइज। ये अलग अलग जो है वेरिएबल्स हमारे वो जो कहते हैं कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं यूज करने के लिए। अब कहता है हर बार मुझे क्या होगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा पी फॉन्ट साइज, वो अभी हम आगे करेंगे। तो क्या सी एस एस क्या करती है, मैंने पी टैग पे ही ना पी टैग लगा के उसको पहले से ही डिफाइन कर दिया कुछ इस फॉर्मेट में कि जब भी ये वाला कुछ यूज हो, पी टैग यूज हो, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वैल्यू जो है वो कॉल हो जाएगी, कौन सी वाली, ये सी एस एस वाली। तो ये एक छोटी सी एस एस की फाइल है, इसमें से मैंने पहले ही कुछ चीजें डिफाइन कर दिया और मुझे बार बार वो चीजें पूरे बड़े कोड में लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं क्या कहता हूँ, एक गाड़ी बन रही है, गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगह से खरीद रहा हूँ, तो इंस्टेड की गाड़ी के सारे पार्ट्स में एक ही जगह से ले लूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अलग अलग जगह से पार्ट्स ले लिए और उनको बस फिट कर दिया। तो इसमें भी बस मुझे, मैंने अलग से एक सी एस एस की फाइल बना ली और उसको एस टी एम एल की फाइल में कॉल कर लिया, मतलब कि एक अलग से सी एस एस की फाइल बनाई, उसके अंदर ये पी टैग का लिख दिया मैंने कि कलर रेड हो, और जब मैं एस टी एम एल की फाइल में कोड कर रहा हूँ मैं उसमें सी एस एस की फाइल को कॉल कर लूंगा, तो जहां जहां मैं पी टैग यूज करूंगा वहां वहां कलर क्या हो जाएगा, उस टेक्स्ट का रेड हो जाएगा। इतना समझ में आया? हाँ जी क्लास सारे हैं, दसो इतना समझ आया? यस सर। आयुष समझ आया आपको? यस सर। ठीक है जी, तो सी एस एस एचटीएमएल आपस से मिलजुल के वर्क कर दिया ने। HTML स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब कि चीज़ें ऐड करनी है, पैराग्राफ, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, ऐसा कुछ। CSS ओनू थोड़ा सुंदर बनाने ली, ओनू बढ़िया दिखाने ली, ठीक है, वो अपन यूज करते हैं क्या, उसे CSS यूज करते हैं। सारे उन्हें समझ आ गई इन्हीं चीज़, CSS या HTML डिफरेंस क्यों होता है? ओके जी, बेसिक सिंटैक्स HTML का, बेसिक टू बेसिक। अच्छा कोई भी चीज है HTML चंदा एक रूल हैगा कि अंदर कोई भी टैग्स जो शुरू हुंदा हैगा वो हमेशा बंद होगा / के नाल, बट वो कहंदा कुछ जो टैग्स हैगा ना वो सिर्फ शुरू ही हुंदे हैगे, वो बंद नहीं हुंदे, ठीक है। ए नॉन क्लोजिंग टैग्स होंगे, मतलब कि इन्हों बंद करने की लोड़ नहीं हैगी। मैं दस दिना है कि है इनू कहते हैं ब्रेक टैग, यह बस एग्जाम्पल दी है बिकॉज ए टैग कदम बंद नहीं होंगे, ए टैग ओपन ही होंगे है, एक बार यूज होंगे, मतलब जो HTML लिखा HTML बंद भी करना पै गया, ठीक है। हूँ ए सब तो पहली चीज़ इस बात आती है हैड टैग, हैड लिखा, हूँ मैं हैड नू बंद भी करा, फिर आएगी बॉडी, मैं बॉडी नू बंद भी करांगा, ठीक है। ए कुछ चीजा हुंदिया हैगियां है, मैं तुहानू थोड़ा ईजी करके दिखाना हैगा। ए मैं अगे अगे इसलिए कर रहे हैं ताकि तुहानू दिखन च प्रॉब्लम ना होवे, ठीक है। HTML शुरू होया, HTML बंद हो गया, हैड शुरू होया, हैड बंद होया, बॉडी शुरू हुई, बॉडी बंद। कहिंदा कुछ टैग इदां दे हुंदे जिहड़े कि बंद नहीं हुंदे हैगे,
जिदा कि बी आर टैग हूँ बी आर टैग की होंगे लैट सपोज मैं दो लाइन लिखिया है माई नेम इज दिस पर मैं चाहना कि हूँ ना जो भी मैं लिखा वो अगली लाइन च आवे मतलब अगली लाइन च आवे नैक्सट डे हैलो वर्ल्ड कुछ भी पर जो मैं कोड करा कोड विच तो मैं जो लिखना पेगा जो नाल लिखना पेगा ए मेरी आउटपुट हैगी है कोड विच तो मैं ऐदा ही लिखा पर मैं ए करा बी आर टैग लाना बी आर का मतलब ब्रेक एक लाइन अगे बढ़ जूगा तो जो ए तो बाद टैक्स जिन्ना भी आऊगा वो नैक्सट लाइन च पहुंच जूगा हाँ जी समझ आया ब्रेक टैग कोई भी काम होना है वो HTML टैग तो बिना नहीं हो सकता HTML टैग लिखना जरूरी है सब तो बेसिक सिंटैक्स है कोई भी HTML बनाता ठीक है नेक्स्ट अपन टैग चेक कर रहे हैं हेड टैग इमेजेस विच मिल जू कहिंदा बॉडी तो पहला की आंदा है हेड टैग आंदा कहिंदे एदे विच पेज दी इनफॉर्मेशन हुंदी हैगी है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਊਗਾ ਟਾਈਟਲ ਟਾਈਟਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪੇਜ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਟੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਟੈਗਸ चाहे पैराग्राफ होवे चाहे टेक्स्ट होवे इमेज होवे कुछ भी होवे चाहे लिंक होवे वो सारा कितने होगा बॉडी दे विच कहिंदा हेड विच की होगी थोड़ी पेज दी इनफॉर्मेशन ठीक है हुन पेज दी इनफॉर्मेशन मोस्टली की होंदी है टाइटल हुन तुसी कहोगे सर टाइटल कितने दिसदा हैगा ए देखो जे मैं IRCTC की वैबसाइट खोली है ए टाइटल ए उपर है हाँ जी देखिए सबनों ए वाली चीज जी है टाइटल है जे मैं टाइटल नहीं लिख के करता है तो यह कि ब्लैंक शो करूंगा हूँ ना आप सेव करके ना रन भी कर देते एनू मैं हटाता मैं लिखिया हाले मैं कुछ नहीं लिखा है एनू खाली छोड़ देना है ठीक है एनू मैं सेव करता हूँ मैं जो सेव करना हैगा है एस दी एक्सटेंशन जी होंगी है पहले तो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा एक्सटेंशन केड़ी होगी हले मैं चेक कर रहा मैं चेक फाइल का नाम ना है ना कुछ भी लिख सकते अपना डॉट HTML चेक दे नाल डॉट HTML लिखोगे तो वो HTML फाइल बनती हैगी अदरवाइज HTML फाइल नहीं बनती तुसी सेव किया एनू मिनीमाइज कर दो एनू मिनीमाइज कर दो ए देखो चेक नाम की फाइल आ गई एनू ना मैं क्रोम ब्राउजर से ओपन कर रहा है बिकॉज मैं जल्दी ओपन हो जू ए तो मैं चेंज कर रहा है तुहाडे पीसी से बाय डिफॉल्ट उत्ते आऊगा हुण कहिंदा जो फाइल तो मैं HTML नाम बनाई मैं नोटपैड च सी पर कहिंदा जदों मैं उन्हें डॉट HTML फाइल की एक्सटेंशन ना सेव किया ना वो एक ब्राउजर फाइल बन गई बिकॉज HTML की फाइल जो भी होंगी हैगी हमेशा एक ब्राउजर में ओपन होंगी हैगी क्यों क्योंकि वेब पेज कितने ओपन होता है हाँ जी क्लास वेब पेज किस कितने ओपन होता है ब्राउजर ब्राउजर एनू मैं करांगा डबल टैग ओपन कीता देख लो ब्लैंक पेज ब्लैंक क्यों आया बिकॉज मैं हरे बॉडी विच कुछ नहीं पाया सी एथे टाइटल विच की आया फाइल का नाम लिख के आ गया जिहड़ी मैं फाइल लिखी थी check.html बट तुसी कदे देखो फेसबुक खोलते है facebook.com उपर लिख के आंदा है फेसबुक लिख के आंदा है ना लोगो बन के आजूगा ठीक है तो मैं इतने की करा मैं टाइटल लिख देवगा टाइटल हूँ तुम चाहो तो ब्रेक पा के भी लिख सकते हो पर मैं कंटिन्यू के लिख दाँगा लेट्स सपोज मैं भी फेसबुक ही लिखना हैगा है ट्राई करो जो आप कोड करें ना थोड़ा ईजी दिखन च ईजी हो गए हूँ तो दिख रहा है हाले तो बहुत घट टैग्स ने पर जो टैग ज़्यादा हो जाते हैं आप कदे कदे मिस कर जाते हैं कुछ टैग जिदा HTML स्टार्ट होया HTML बंद है तो दिख रहा है कि एक लाइन से हैड स्टार्ट होया हैड बंद जो तुम इको लाइन से लिख दोगे ना हो सकता है कदे कोई टैग बंद ना हो तो एरर
ਆਪਾਂ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖਤਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਐਸ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਲਾਸ ਯੈਸ ਸਰ ਓਕੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਐਚਟੀਐਮਐਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਸਐਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਸਰ ਨੋ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੜਦੇ ਹੈਗੇ ਐਚਟੀਐਮਐਲ ਟੈਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਯੈਸ ਸਰ ਕਲਾਸ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਰ ਓਕੇ